आज हम देख रहे हैं फिफ्थ चैप्टर ब्रीडिंग ऑफ एक्वेरियम फिशेस और इसमें से टॉपिक हम देख रहे हैं कि ब्रीडिंग एंड द रेयरिंग ऑफ एक्वेरियम फिशेस। आज हम फिफ्थ चैप्टर देख रहे हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है जिससे आपको और से और ज्यादा वीडियो देखने को मिले। तो आज हम देखते हैं फिफ्थ चैप्टर ब्रीडिंग ऑफ द एक्वेरियम फिशेस और उसमें देखते हैं ब्रीडिंग एंड द रेयरिंग ऑफ एक्वेरियम फिशेस। इसमें एक्वेरियम फिश में फर्स्ट फिश देखते हैं, उसका नाम है बीटा स्प्लेंडिड। इसे ही हम कहेंगे सिमाजिंग फाइटिंग फिश। तो ये कैसी होती है? जनरली द लेंथ ऑफ द फिश कैन बी बीटा स्प्लेंडिड। द लेंथ ऑफ द फिश इट इज द जनरली 6 सेंटीमीटर और ये एग लेइंग बबल नेस्ट बिल्डर है, यानी ये एग ले करती है और अंडे देती है और बबल से नेस्ट तैयार करती है। द बॉडी इज द सिलिंड्रिकल विद द वेरी फ्लोइंग फिन्स इन द मेल। अब मेल में क्या होते हैं कि फिन्स है, बॉडी सिलिंड्रिकल है और उसके फिन्स है, फिन्स है वो फ्लोइंग रहते हैं और फीमेल में है कि इट इज द लेस फ्लोइंग फिन्स। ये डिफरेंट कलर में मिलती है, जैसे ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, येलो है। ये एग्जिस्ट इन द मैन वेराइटी, मैन मेड वेराइटी और ये मैन से भी डिफरेंट वेराइटी में ये तैयार कर लेते हैं। तो मेल कंस्ट्रक्ट करता है नेस और इसमें फिर उसकी पेरेंटल केयर भी लेता है, यानी बच्चों की देखभाल भी वो करता है मेल। मेल ये मोर पंगाशियस है, यानी वो झगड़ने वाला नेचर का रहता है और फीमेल है इट इज द मोर एडजस्टिव, यानी फीमेल है ये एडजस्ट कर लेती है। तो ऐसा हो गया ये बीटा स्प्लेंडिड। अब हम देखते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो अभी देखते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस मेल और फीमेल है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो मेल कैसा होता है? मेल आर द मोर कलरफुल और इसे कहेंगे मेल आर द मोर इंटेंसिव इन कलर एंड फीमेल है मेल कलर मोर इंटेंसिव इन कलर। फिन्स है ये लार्जर रहते हैं इनके और पॉइंटेड रहते हैं। देन द एनल और डॉर्सल फिन्स है आर टू लार्ज एंड द एक्सपांडेड। मेल है ये स्मॉल साइज के है और विद द वेरी स्लेंडर बॉडी, ठीक है। अब फीमेल कैसा है कि फीमेल है ये लेस कलरफुल है, ठीक है। फिन्स ये शॉर्टर रहते हैं मेल से और बॉडी ऑफ द फीमेल इट इज लार्ज एंड द हेवी। द एब्डोमिन इज बल्ज ऑन द लैटरल साइड। अब पेट है ये बाहर के साइड में निकल के आता है। इसके बाद में हम देखते हैं ब्रीडिंग ऑफ द फिशेस।